हालांकि बुंदेलखंड में अभी बारिश का पैमाना बहुत कम रहा है, लेकिन अन्य प्रदेशों में हो रही बारिश के बाद बुंदेलखंड की नदियों का जलस्तर बढ़ने लगा है। बेतवा नदी में बढ़े जलस्तर की वजह से ललितपुर के राजघाट बांध के दरवाजे खोलना शुरू कर दिया गया है। बुंदेलखंड में काफी देर से बारिश शुरू हुई है, लेकिन अन्य राज्यों में हो रही बारिश के बाद अब बुंदेलखंड की नदियों का जलस्तर बढ़ने लगा है। बेतवा नदी में जब जलस्तर बढ़ना शुरू हुआ तो एहतियात के तौर पर राजघाट बांध के 6 दरवाजों को खोलकर पानी की निकासी शुरू कर दी गई है। साथ ही बांध के आसपास के थाना क्षेत्र में रहने वालों को अलर्ट जारी कर दिया गया है। साथ ही प्रशासन द्वारा किसानों व चरवाहों को नदी के आसपास वाले क्षेत्रों में जाने के लिए रोका जा रहा है। आपको बता दें कि पिछले वर्ष नदी में बाढ़ आने से कई किसान व चरवाहे नदी में फंस गए थे। ऐसी स्थिति ना हो इसके लिए प्रशासन सभी को पहले से जागरूक कर रहा है। ललितपुर से सौरभ जैन के साथ अशोक सैन की रिपोर्ट। मून सिटी स्केप्स बिल्डर्स प्रस्तुत करते हैं आलीशान आकर्षक रेजिडेंशियल कमर्शियल JDA अप्रूव प्रोजेक्ट स्पेस मून सिटी गेटेड कॉम्प्लेक्स हाईटेक सिक्योरिटी और 100% पावर बैकअप के साथ प्रीमियम अपार्टमेंट और इंडिपेंडेंट विलास, साथ ही रिच लैंडस्केपिंग। स्पेस मून सिटी लाए हैं आकर्षक और आरामदायक लाइफस्टाइल। स्विमिंग पूल, इंडोर गेम सहित आधुनिक क्लब हाउस आपके आधुनिक लाइफस्टाइल के लिए। शॉपिंग एंड एंटरटेनमेंट के लिए नेशनल और इंटरनेशनल ब्रांड्स के साथ शॉपिंग मॉल और मल्टीप्लेक्स। स्पेस मून सिटी 25 एकड़ में विस्तृत है। परफेक्ट लग्जरियस एंड ब्यूटीफुल लाइफ के लिए प्रस्तुत है स्पेस मून सिटी।